केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने फदानी नगर मंडल के विभिन्न पंचायतों का किया तूफानी दौरा। ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर किया संवाद, साथ ही किसानों के साथ मिलकर धानों की कटाई। केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री सह हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने रामगढ़ जिले के फदानी नगर मंडल की कंडेर, पीढ़ी, डुडगी, चैनगड्ढा व लपंगा पंचायत का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न पंचायतों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया व कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को वोट एक लाभ अनेक का अर्थ समझाया। जयंत सिन्हा जी ने लोगों को बताया कि वह किस प्रकार क्षेत्र के प्रत्येक गांव के विकास हेतु निरंतर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की सैकड़ों महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन से हजारीबाग एवं रामगढ़ का कायाकल्प हुआ है। इसी दौरान एक बड़ा ही प्रशंसनीय दृश्य देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने अन्नदाताओं से मुलाकात कर खेतों का भ्रमण किया, साथ ही किसानों के साथ मिलकर धानों की कटाई की। केंद्रीय उड़यन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जब किसान बने, उनके नए रूप को देख लोग तारीफ करते नजर आए। उन्होंने खेत में जाकर खुद धान कटाई की। देखा आप लोगों ने, और इसमें सब आपने हैं सारा, कितने लोगों को क्या क्या मिला, कितने लोगों को शौचालय मिला, कितना लोगों को जनधन कार्ड मिला, कितना लोगों को गैस सिलेंडर मिला, कितने कितने लोग हैं, हर चीज, हर आंकड़े जो है यहाँ है, और सरकारी आंकड़े। चलो पंचायत चलो अभियान के हम जुटे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों के विकास के बहुत काम हुए हैं और हर पंचायत में, हर गांव में कोई ना कोई समस्या है, तो ये सब मामलों को अच्छी तरीके से जानने के लिए और हर क्षेत्र में, हर पंचायत में जा जा कर वहाँ की सब बातें समझने के लिए हम बहुत दिनों से इस अभियान को चला रहे हैं। आज जो इस कंडेर पंचायत आकर मुझे पता चला है कि यहाँ सबसे ज़रूरी है कि जो यहाँ की ग्राम सड़क योजना का जो निर्माण हो रहा है वो सही तरीके से हो। उसमें जो काम किया जा रहा है वो सही काम नहीं है, डिफेक्टिव काम है, उसमें हम लोगों को सुधार करना है। साथ साथ यहाँ के दो चार स्कूल हैं जहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है, इसमें बहाली किया जाए, जल्द से जल्द यहाँ शिक्षक को भिजवाया जाए जिसमें बच्चों को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। और साथ साथ छोटी मोटी कई सारी योजनाएं हैं जिससे इस क्षेत्र को बहुत लाभ मिल सकता है, जैसे जल मीनार और शमशान घाट। तो ऐसे ऐसे हर पंचायत में जा जाकर हम लोग पूरा फीडबैक ले रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि काम किस प्रकार से हो रहा है, और अगर सरकार को और आगे काम करना है तो उन्हें हमें क्या क्या और हम लोगों को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, हम लोगों को और बेहतर करना पड़ेगा, जिसमें कि जनहित में सरकार और भी सकती है। ऐसा भी लगा क्या कि सर योजनाओं को सही रूप से ग्रामीण नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए अब तक जो है कुछ विकास जो है रुका पड़ा है? आप सही बात कह रहे हैं कि जनता की जागरूकता बनानी बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों को मालूम है कि 14 वित्त आयोग के द्वारा हर मुखिया को हम लोगों ने बहुत राशि दी है, हर पंचायत में करीब 20 से 30 लाख रुपये हम लोगों ने मुखिया लोगों को दिया है, जिनको वो सिर्फ ग्राम सभा से पारित करवा के अपने पंचायत में, अपने गाँव में उन्हें अमल कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आज के समय ग्रामीण जनता को ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए एक बहुत ज़रूरी काम मेरे लिए बनता है कि जनता को इसके बारे में जागरूक बने, जिसमें कि जिन बातों से वो हरदम बेचैन रहते हैं, चाहे वो किसी सी सड़क हो, नाली हो, तालाब गहरीकरण हो, सामुदायिक भवन हो, चाहे वो जल मीनार हो, ऐसी ऐसी छोटी योजनाएं हैं जो हर गांव में इसकी ज़रूरत है, उनको गांव में ही उनको तय करके ग्राम सभा से पारित किया जा सकता है।